थम दो जय श्री कृष्ण आज हम लोग समीक्षावादी दार्शनिक जो कांट है उस कांट के दर्शन को जानेंगे कांट ने अपने दर्शन में एक और दर्शन दिया है कापर निक्षी की क्रांति तो कापर निक्षी क्रांति यह कांट का एक समझ सकते बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था तो इसमें उन्होंने क्या बताया का की क्रांति में इसको जानते हैं बड़े ही ध्यान से आप लोग सुने क्योंकि तो परीक्षा के दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है आधुनिक दर्शन के इतिहास में कांट की इस वक्ति का पर्याप्त महत्व है अत्यधिक महत्व है यहां कांट ने बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान मीमांसई अर्थ में किया है इस उक्ति का तात्पर्य यह है कि संवेदन शक्ति अपने अंतर्निहित आकार देश और काल से होकर जिन संस्कारों को प्राप्त करती है उनसे ज्ञान तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक अपने बोध के स्तर पर बुद्धि अपने बुद्धि विकल्पों की सहायता से उन्हें व्यवस्थित करके निर्णय के रूप में प्रस्तुत नहीं कर देती कांट का यह मत कि दर्शन शास्त्र में कापरनिक्षी क्रांति कहा जाता है इसलिए कांट कहता है कि मैंने दर्शन शास्त्र में कापर निक्षी क्रांति की है कापर निकष के समक्ष या कापर निकस के समय तक यह सामान्य धारणा थी कि पृथ्वी सारे ब्रह्मांड का केंद्र है क्योंकि ईश्वर की सर्वोच्च कृति मनुष्य है मतलब जो भगवान ने बनाया है सबसे उत्तम उनकी जो सबसे उत्तम कृति है आकार जिस चीज को दिया है वह मनुष्य को दिया है मनुष्य ही उसके सबसे उच्चतम कृति है इसलिए उसने मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा है न कि किसी कोने में इस धारणा को कापर निकष द्वारा जबरदस्त चुनौती दी गई तथा उसने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं बल्कि वह स्वयं सूर्य के चारों ओर घूमती है अतः सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है न कि पृथ्वी उसका नाम था कि सूर्य का केंद्र है, पृथ्वी नहीं है जो कापर निकष ने बताया था नहीं पृथ्वी ब्रह्मांड केंद्र है तो इसने कहा नहीं सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और ईश्वर की सर्वोच्च कृति मनुष्य केंद्र में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के कोने में है कापर निकष के इस कथन से मनुष्य के अहम को बहुत बड़ा सदमा हुआ और उसका भ्रम टूट गया वह ईश्वर की सर्वोच्च कृति है बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है यह कहकर कांट भी कहता है कि मैंने कापर निकष की तरह एक बौद्धिक क्रांति की है कांट के अनुसार अब तक दार्शनिक कहते थे कि सत्ता का ये स्वरूप है इसमें बुद्धि द्वारा जान लिया सत्ता का यह स्वरूप है हमने अनुभव के द्वारा जान लिया कांट कहता है कि मैंने सत्ता की ओर से ध्यान हटाकर बुद्धि की समीक्षा की क्योंकि सत्ता के बारे में जो कहते हैं वह बुद्धि द्वारा कहा जाता है अतः हमें बुद्धि का निरीक्षण करना चाहिए अतः कांट ने दार्शनिकों का ध्यान सत्ता की ओर से हटाकर बुद्धि की ओर आकृष्ट किया उनके अनुसार यह भी कापर निकष की तरह एक बौद्धिक क्रांति है कांट द्वारा तत्व का खंडन क्या है उसको जानते हैं कांट के अनुसार तत्वमीमांसा असंभव है <गीख़ा> क्योंकि <गीख़ा> तत्वमीमांसा के मुख्य विषय हैं ईश्वर आत्मा तथा ब्रह्मांड और इन विषयों का हमें कभी अनुभव नहीं होता क्योंकि इन्हें केवल प्रज्ञा बुद्धि द्वारा जानते हैं अतः ये है प्राग्णुभिक तत्व तो हैं ये प्रागणुभिक इसलिए हैं क्योंकि इनका कोई संस्कार प्राप्त नहीं होता कांट के अनुसार जैसे ही शुद्धि बुद्धि ईश्वर या शुद्ध बुद्धि ईश्वर आत्मा तथा ब्रह्मांड में प्रवेश करती है वह उलझन में हो जाती है जगत के संदर्भ में वी प्रतिशेत तथा आत्मा और ईश्वर के संदर्भ में अतिद्री भ्रम पैदा होते हैं इसलिए कांट कहता है कि ईश्वर आत्मा था ब्रह्मांड बुद्धि का नहीं बल्कि आस्था का विषय है क्योंकि जहाँ से बुद्धि का सोचना समाप्त होता है वहाँ से आस्था प्रारंभ होती है अतः स्पष्ट है कि जिसका ज्ञान हो ही नहीं सकता उसकी तत्विमशा कैसे संभव हो सकती है कांट का यह बहुत ही अच्छा व्याख्या था तो आज के लिए इतना ही फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण